आसनसोल में हिंसा तो रुक चुकी है लेकिन लोगों में अब भी उबाल है। एक समुदाय दूसरे समुदाय से बदला लेना चाहता है लेकिन बदले की आग को बुझाने का काम उस शख्स ने किया है जो खुद हिंसा का पीड़ित है। जी हाँ, आसनसोल के इमाम रशीदी ने हिंसा में अपना बेटा खो दिया लेकिन बदला नहीं, वो शांति चाहते। उनकी बातों को नेताओं को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा एक पैगाम है कि हमारे छेले चले गए थे, कोई बात नहीं, हमारे शहर शांति थाको, हमारे शहर में अमन रखो, यही जन ने अपना दर कोशिश करूँ, यही हमारा पैगाम है। शांति का पैगाम दे रहे इमादुद्दीन रशीदी की बात हर उस हिंदुस्तानी के लिए मिसाल है जो अमन पसंद है। भड़काने या गुस्से में आकर हिंसा करने वालों के लिए एक बड़ी सीख है। आसनसोल में एक मस्जिद के इमाम इमादुद्दीन रशीदी ने एकता और अमन का पैगाम तब दिया जब वो अपने 16 साल के बेटे को इस बार हुई सांप्रदायिक हिंसा में खो चुके हैं। मालूम हो जाए मके के एक शब एक लाश पड़ा छे, देखी हमी कि लाश हमारे छेले लाश अच्छे हो गए, बेदर्दी से मेरे छे हो गए, नाखून टेने नीचे जालिए दीचे ओके है ना, ईटा कटे दीचे। जवानी की दहलीज पर पहुंचा बेटा चला गया, वो नफरत की भीड़ चल गया, माहौल गर्म था, मौत का बदला लेने की तैयारियां शुरू हो गई थी। 24 घंटा ईदगाह के करीब भीड़ जमा हो चुकी थी लेकिन इमाम रशीदी शांति का पैगाम लेकर दीवार बन गए। कहा अगर किसी ने हिंसा की तो मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा, अगर नहीं करते तो मेरा बच्चा निकलता, लेकिन क्या है मेरे बच्चे की उम्र पूरी हो गई थी, अल्लाह के हाथ मुकद्दर से उतनी उम्र थी, हम इस बात पे यकीन रखते हैं, इस बात पर मैंने सब्र किया है। इमाम साहब ने दिल बड़ा करके एक बड़ी नजीर पेश की है जिससे देश के उन तमाम नेताओं को सीखना चाहिए और समझना चाहिए जो मुंह खोलते हैं तो जहर के सिवाय कुछ नहीं उगलते। खाल खींचने की बात कहने वाले ये आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो है। इन जैसे सभी नेताओं को इमाम रशीदी से सीखने की जरूरत है कि नफरत बढ़ाई नहीं जाती बल्कि मोहब्बत से मिटाई जाती है, इसलिए इमाम रशीदी उन पर एक तरफा होने का आरोप लगा रहे हैं। बाबू को ही जिम्मेदार मानते हैं? बाबू बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर दोनों तरफ का आदमी बैठ कर, शहर के एमपी हैं, अगर दोनों को बैठा देंगे हम क्यों नहीं बैठेंगे? वो कभी हमको बुलाए कि हाँ भाई इमाम साहब हम बैठना चाहते हैं, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? 5 साल के लिए वो एमपी बने, किस बात के लिए एमपी बने? आसनसोल में रामनवमी के दिन हिंसा भड़की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, 50 से ज्यादा दुकानों मकानों को भीड़ ने जला दिया था। सांप्रदायिक हिंसा में हुई मौत में इमाम रशीदी का बेटा भी शामिल था। देखिए, जिंदगी जीने का बहुत साहसी तरीका है ये, लेकिन दिबांग कितने लोग ऐसा कर पाते? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही सवाल उठाया आपने। मैंने इस पर सुबह ट्वीट किया और हजारों लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बाप के कंधे पर जो सबसे भारी बोझ होता है वो अपना बेटे का जनाजा होता है। उन्होंने ये बोझ उठाया है और उसके बाद वो इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो एक उंगली भी नहीं उठनी चाहिए किसी की तरफ। जो लोग प्रत्यक्ष दर्शी हैं वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो लोग रोने लगे। इस तरह की बात इन्होंने की, कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं, बेटा अभी खोकर आए और कितनी बर्बरता से मारा गया, वो डिटेल आपने सुनी होगी। उसके बाद अगर आप देखें जिस तरह की बातें हमारे नेता कर रहे हैं, यही जरूरत है कि आप दोनों तरफ को सुने और तय करें, और जो बात इमाम साहब कह रहे हैं वो ऐसी बातों को सुने, उसको समझें, मेरे ख्याल से उसकी बहुत जरूरत है। बल्कि यही आज का हमारा सवाल भी है नेहा, कि क्या आपको लगता है कि हमारा देश जो है वो इमाम जो है रशीदी जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उससे देश बचेगा या देश चलेगा? अपनी राय जरूर ट्वीट करें, मेरा हैंडल है @दिबांग, नेहा का हैंडल है @नेहापंत19। पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं।